Hello, good evening everyone. Welcome again to Clear IAS channel. My name is Jaya and आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ महाजनपदा. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ऑल्सो गो चेक आउट द क्लियर IAS चैनल. वहाँ पे आप वेबसाइट, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे एंड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे. ओके, सो अब विदाउट फर्दर डिले हम लोग ये टॉपिक, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो महाजनपदास, तो इस ये जो टॉपिक है महाजनपदास, इसको हम तीन पोर्शन में पढ़ेंगे, तीन पार्ट में पढ़ेंगे. पार्ट वन में हम लोग मोनार्कीज देखेंगे, ठीक है, महाजनपदा क्या होता है वो देखेंगे, और उसी के मोनार्कीज और रिपब्लिक. हमें पता है महाजनपदा दो में डिवाइडेड होते हैं, मोनार्कीज और रिपब्लिक. तो हम मोनार्कीज के कुछ पार्ट देखेंगे. सेकेंड पार्ट में हम मोनार्कीज के कुछ बाकी के पार्ट और रिपब्लिक्स देखेंगे. एंड फिर थर्ड पार्ट में हम लोग महाजनपदा के एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, सोसाइटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, जो भी इससे रिलेटेड है, हम बाकी की चीजें उस पार्ट में देखेंगे, लास्ट पार्ट में देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक महाजनपदास. तो महाजनपदास, या हम इसको प्री मौर्यन पीरियड भी कहते हैं, या सिक्स सेंचुरी बीसी पीरियड भी कहते हैं हम इसको. सो जो महाजनपदा है वो हमारा एमर्ज हो गया था वैदिक पीरियड में ही, ये हमारा वैदिक एज में ही हमारा एमर्ज हो गया था. जो हिस्ट्री है एमर्जेंस की ऑफ महाजनपदास, उसको हम लोग देख सकते हैं ईस्टर्न यूपी में एंड वेस्टर्न बिहार में. ये हम ज्यादा देख सकते हैं कि जो स्टार्ट हुआ था एमर्जेंस, जो मतलब महाजनपदा की जो शुरुआत हुई थी, तो वो हम ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार में देख सकते हैं. क्यों देख सकते हैं? क्योंकि हमको ये पता है वहाँ छोटा नागपुर प्लेटू है, वहां पे आयरन डिपॉजिट बहुत है, एंड ये जो आयरन की वजह से ही ये महाजनपदा, ये जो पूरा एक सेटल्ड किंगडम हमारा क्रिएट हुआ था, एक हमारी स्टैंडिंग आर्मी बनी थी विद द हेल्प ऑफ आयरन ओनली, बिकॉज आयरन से वो वेपन्स बना सके, एंड वेपन्स से ही उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर किंगडम बनाया. प्लस आयरन जो था उससे उन्होंने एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा सफलता प्राप्त की, उन्होंने एग्रीकल्चर में उनको एडवांसमेंट भी आयरन की वजह से मिला. ऑल्सो उस साइड ये होता, जो हम अगर देखेंगे ईस्टर्न यूपी मतलब बिहार साइड देखेंगे, तो वहां पे जो एलोवियल सिल्ट डिपॉजिट था वो बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से फर्टाइल लैंड बना. मतलब इधर से चाइना चाइनीज रिवर बोले कि आ रही है एलोवियल सिल्ट डिपॉजिट, फिर ऊपर से सिल्ट डिपॉजिट आ रहे, गंगा से सिल्ट डिपॉजिट आ रहे, तो वो सब कुछ वहां पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा था. तो उसकी वजह से जो वहां की लैंड थी वो बहुत उपजाऊ, बहुत फर्टाइल हो गई थी. इसीलिए हम जो स्टार्टिंग में अगर देखते हैं कि जो एमर्जेंस था महाजनपदास का, वो हमें ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार में ही दिखता है, ठीक है, ड्यूरिंग दी 6th to 4th century BC, जहाँ पे एग्रीकल्चर वो फ्लरिश्ड हुआ था ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड्स, एंड आयरन प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर इन दी लार्ज क्वांटिटीज. और बहुत सारे जो महाजनपदास थे हमारे, वो हमारे जो है 6th century BC में आए थे, जिसमें से जो बहुत बड़े लार्जर थे उनको महाजनपदा बोला गया, और जो जिसमें से जो मगध था वो सबसे ज्यादा माइटीएस्ट था, सबसे ज्यादा उस टाइम पे मगध जो था वो सबसे बड़ा राज्य, महाजनपदा जनपद जो था वो मगध ही था हमारा. नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये महाजनपदा के बारे में हमें पता कहाँ से चला? ठीक, तो महाजनपदा का जो हमें पता चला है वो हमें पता चला है अंगुतार निकाय से, ठीक है, सुत्ता प्रत्यय का जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें हमें 16 महाजनपदास के बारे में पता चला था, ठीक है, बुद्धा के टाइम पे. इसी के साथ यहाँ पे महाजनपदास के बारे में तो पता चला था, और साथ साथ छोटे जनपदास के बारे में, ठीक है. तो हमें ये पता है कि हमने वैदिक लिटरेचर में हमने क्या देखा, हमने वैदिक लिटरेचर में कुल देखा, ठीक है, कुल मतलब फैमिली, जिनके हेड कौन हो गए थे, कुलपा हो गए. तो कुल से जो फैमिली थी, जो फैमिली से मिलके क्या बना, ग्राम बना. ग्राम मतलब विलेजेस, कई फैमिली इकट्ठा और साथ में विलेजेस बनाए, जिनके हेड थे ग्रामीण. उसके बाद हमारे ग्राम के बाद हमारा विस बना, क्लान, ठीक है, विलेज से क्या बना हमारा, विस बना, जिसके विस्पति हुए. फिर विस से हमारा जन बना, ठीक, जन मतलब लोग हुए, पीपल, जिनके थे गोपा या गोपति हेड थे. फिर जन से हमारा राष्ट्र बना, ठीक, ये हमने पढ़ा राष्ट्र कंट्री, जिसके हेड हो गए राजन. तो ये हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड में, जिसमें से जो जन था, ठीक, ये हमने देखा था, ये हमारा अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में था हमारा जन,
जहाँ पे इन लोग के ये लोग एक जगह सेटल नहीं होते, ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, बस एक लैंड टेरिटरी नहीं थी, फिक्स टेरिटरी नहीं थी। फिर जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आए तो लेटर वैदिक पीरियड में हमने क्या पढ़ा, जनपद्स पढ़ गए पढ़े, ठीक है, जनपदास पढ़े हमने लेटर वैदिक पीरियड में, जिसको हमने बोला कि इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने फिक्स टेरिटरी बनाई, सेटल्ड टेरिटरी बनाई, किंगडम बनाया, जनपदा, तो उनके पास एक सेटल्ड लैंड था, तो ये हमने पढ़ा। अब क्या महाजनपदा में ये जो कुछ जनपद थे, अब ये साथ में मिले, कुछ जनपद जो थे वो साथ में मिलके उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने महाजनपदास बना दिए, ठीक है। अब यही महाजनपदा को हम जैन लिटरेचर में भी, भगवती सूत्र जो है जैन लिटरेचर का, उसमें भी हमें महाजनपदास के बारे में बताया गया है। बट अब जैसे कि कुछ महाजनपदा जो है, अब 16 जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में है उसमें डिफरेंट है, और भगवती सूत्र जो जैन लिटरेचर है उसमें डिफरेंट है, नेम्स थोड़े से डिफरेंट है। फिर पननी की अष्टाध्यायी में भी हमको महाजनपदास के बारे में पता चला था, ठीक है, तो इनमें अप्रोक्स 40 जनपदास के बारे में हमको पता चला था। बट हम लोग जो प्रॉपर सोर्स मानते हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं, वो हम बुद्धिस्ट लिटरेचर को ही मानते हैं। जो यूज ऑफ आयरन था ईस्टर्न यूपी में और बिहार में 6th century BC, उसमें एक कंडीशन क्रिएट हुआ जिससे लार्जर टेरिटोरियल स्टेट बना। कैसे बना लार्जर टेरिटोरियल स्टेट, क्योंकि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने जो है उस आयरन डिपॉजिट से क्या बनाया, वेपन्स बनाना शुरू कर दिया। अब जब आप वेपन्स बनाओगे, आपके पास वेपन्स है, तो वेपन्स से अपने आस पास की टेरिटरीज को भी आप ले सकते हो, ठीक है, एनेक्स कर सकते हो, अपने कब्जे में ले सकते हो, तो आपकी वो टेरिटरीज भी आपके साथ मिल गई। तो जब दूसरी टेरिटरी भी आपके साथ मिली तो क्या हो गया, आपकी टेरिटरी, आपका किंगडम और बड़ा हो गया। तो ऐसे मगध ने किया था, मगध ने जो है क्या किया, उन्होंने एक तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू अपने अंडर टेरिटरीज भी एनेक्स किया, और साथ साथ उन्होंने तो लड़ाई बड़ाई करके जो उन्होंने टेरिटरीज एनेक्स की उससे, तो इससे मगध हमारा माइटीएस्ट बन गया था। यूज ऑफ आयरन टू प्रोड्यूस सरप्लस, विच जो प्रिंस जिस पे टैक्स करते थे ताकि वो फाइनेंस कर सके अपनी मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आयरन टूल्स को मोनोपोलाइज कर लिया, ठीक, जिनके पास भी, जो जैसे मगध हो गया, मगध के पास आयरन डिपॉजिट बहुत, तो मगध ने क्या किया, मोनोपोलाइज कर लिया। अब मतलब अगर किसी को भी आयरन चाहिए तो वो उनसे ही लेके लेना पड़ेगा, और कोई और सोर्स नहीं था दूसरे राज्यों के पास, मगध के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया, कोई भी उठ के जो है जाके आयरन नहीं बेच सकता, क्योंकि उस टाइम आयरन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक, कॉपर था, बट कॉपर से आप इतने अच्छे वेपन्स नहीं बना सकते जितने आप आयरन से बना सकते हो, तो इसीलिए उन्होंने आयरन को मोनोपोलाइज किया। तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, उससे भी उनकी इनकम आई, तो उससे उन्होंने मिलिट्री और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स पूरी करी। तो क्या हुआ, आयरन हुआ, तो अब आयरन आया तो उसने इकोनॉमी जो थी उनकी बूस्ट कर दी, ठीक। तो इकोनॉमी जब बूस्ट, जैसे बोला जाता है ना कि अगर किसी कोई भी कंट्री, ठीक, इस वक्त अगर अगर सबसे माइटीएस्ट अगर किसी कंट्री को हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, अगर उसकी इकोनॉमी अच्छी है, तो मगध हो गया, मगध के पास आयरन डिपॉजिट इतना था, उसकी लैंड इतनी फर्टाइल थी कि उसकी इकोनॉमी एकदम से बूम करी। जब उसकी इकोनॉमी बूम करी तो वो ऑटोमेटिकली, वो जो मगध था वो एक तरीके से माइटीएस्ट हमारा बन गया। फिर ऑल्सो जो सरप्लस था वो हम लोग कुड बी अवेलेबल टू द टाउन्स विच स्प्रंग अप इन द 6th century BC। फिर महाजनपदा जो थे वो एक हमारे ग्रुप ऑफ 16 एंशियंट इंडियन किंगडम्स थे, या ओलिगार्किक रिपब्लिक्स थे, ठीक है, मतलब वो मोनार्कीज भी थे जहाँ पे जो पोजीशन थी किंग की वो हेरिटेजन थी, ठीक, और रिपब्लिक्स थे, मतलब क्या होता था रिपब्लिक्स में, ये लोग कुछ लोगों को जो, मतलब एक छोटा सा रिपब्लिक ये लोग बनाते थे, एक टेरिटरी बनाते थे, उसमें जो है असेंबलीज होती थी, और उसमें जो भी किंग जो सिलेक्ट होता था वो एक वोटिंग के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने सेलेक्ट करना चालू किया। तो ये रिपब्लिक्स उन्होंने बनाए, जो हमारा एंशियंट इंडिया में एग्जिस्ट करता था ड्यूरिंग सेकेंड अर्बनाइजेशन एरा। तो हमने महाजनपदास को क्या बोला, सेकेंड अर्बनाइजेशन एरा बोला। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, हमें पता है कि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो हमारा IBC है, ठीक है, IBC हमारा क्या हो गया, IBC हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन एरा हो गया। और सेकेंड अर्बनाइजेशन एरा की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा महाजनपदा हो गया, हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन एरा, ठीक है, जो हमारा 6th से 4th century BC में है। अब अगर देखेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ कि जब लेटर वैदिक पीरियड में जो ट्राइब्स थे, जो जन थे,
उन्होंने अपना खुद का टेरिटोरियल कम्युनिटी बनाना चालू किया, मतलब उन्होंने जन से वो जन जनपद उन्होंने अपना बनाना चालू किया। अब जो जनपद था, अब उसने क्या किया, एक नया और एक परमानेंट जोन दिया सेटलमेंट का, जिसको उन्होंने जो जन थे, जो मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी थे, जो ट्राइब्स थे, उन्होंने टेरिटोरियल कम्युनिटी बनाया, तो जिसकी वजह से नए और परमानेंट जोन ऑफ सेटलमेंट आए, तो उसको उन्होंने स्टेट्स और जनपद कहा। अब ये जो स्टेट और जनपद थे, जो ये जो जनपद थे, उन्होंने और अपने आसपास के जनपद को कैप्चर करना शुरू किया एक जनपद में, जिसकी वजह से वो एक महाजनपद बन गया। ठीक, जो पॉलिटिकल सेंटर था वो वेस्ट से ईस्ट में चला गया ऑफ इंडो मैग्नेटिक प्लेन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ईस्ट में उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। देन हाई लैंड फर्टिलिटी जो थी एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज रेनफॉल एंड रिवर्स फ्लोइंग टू इट, एंड ये जो एरिया था, जो ईस्ट वाला एरिया था, वो हमारा क्लोजर था टू आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया, और आयरन वेपन्स हमारे क्या थे, एक हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट थे। नेक्स्ट, अब इसमें देखेंगे महाजनपद जो थे हमारे, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। ठीक, एक थे मोनार्कीज, मोनार्कीज में कौन कौन से आगे, काशी, कोसला, अंग, मगध, वत्स, अवंती, गंधार, कम्बोज, मत्स्य, कुरु, पांचाल, छेदी या छेती एंड फोरसेन। और जो मोनार्कीज थी वो हमें गैंगनेटिक प्लेन्स में मिली, और रिपब्लिक्स जो थे गणसंघास जिसको बोलते हैं, बज्जिस, मल्लास, असाका या श्माका, और ये हमारा फिट हिल्स ऑफ हिमालयास मिला एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन मॉडर्न पंजाब। तो ये हमारी गैंगनेटिक जो मोनार्कीज थी ये स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू रिपब्लिक्स मोनार्कीज स्ट्रॉन्ग थी। ये गैंगनेटिक प्लेन्स मिली जहाँ लैंड फर्टिलिटी काफी ज्यादा थी, आयरन प्रोडक्शन काफी ज्यादा था, वहां मिला। अब ये स्ट्रॉन्ग थी, इन्होंने जो रिपब्लिक थी उनको क्या ढकेलना चालू कर दिया हिमालय की तरफ, नॉर्थ वेस्ट यू नो फ्रंटियर इंडिया की तरफ, उन्होंने ढकेलना चालू कर दिया रिपब्लिक्स को, आप एकदम आइसोलेट ही हो जाओ, उधर ही जाओ, आपको इधर आने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये जो बड़े किंगडम्स थे उन्होंने ये वाली पॉलिसी अपनाई ताकि वो क्या हो, वो उस एरिया में एकदम माइटीएस बन जाए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे महाजनपदास, अब ये मैप में अगर हम देखते हैं तो ये देखो मैप में हमारा, अगर हम पहले इधर मगध देखेंगे, ठीक है, जिसकी कैपिटल हुई राजगीर, तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटी, उनको आयरन प्रोडक्शन मिला। फिर अंग यहाँ पे हुआ, ठीक, अंग के बारे में आगे बढ़ेंगे कि अंग जो है वो स्वर्ण भूमि से कनेक्टेड है, तो जो अंग था एक बहुत ही मेजर यू नो ट्रेडिंग पॉइंट बन गया था, क्योंकि इधर से जितने भी स्वर्ण भूमि के जितने भी एरिया थे, ठीक है, स्वर्ण प्रदेश या स्वर्ण भूमि, जैसे कि चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ से जितने भी ट्रेड आते थे, स्पेशली सिल्क आया, वो पहले क्या होता था, वो अंग के पास आता था। फिर अंग क्या करता था, अंग बाकी साउथ में और जगह वो जो है पहुंचाता था, इसलिए अंग बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था, तो अंग को लोग कैप्चर करना चाह रहे थे। फिर इधर आता है अवंती और उज्जैन, ठीक, फिर यहाँ अस्माका आ गया, फिर इधर आया हमारा छेदी, वत्सा, काशी, मल्ला, ब्रिज, कोसला, सोरसेन, मत्स्य, पांचाल, कुरु, और फिर ऊपर ये हमारा गांधार और कम्बोज, ये ऊपर के एरिया में आ गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऊपर आ गया। ठीक है, हमारा ये हुआ, ये इधर इस साइड हमारा आर्कमेनिड एम्पायर आया, तो हम बाद में देखेंगे कि कैसे आर्कमेनिड एम्पायर ने भी गांधार को जो है एक्वायर कर लिया था। सो ये हमारा हुआ महाजनपदास की, ये मैप हो गया। ठीक है, इस मैप को आप इस अपनी कॉपी में लो और अपनी कॉपी में इसको खुद लोकेट करो, बिकॉज यू नो आपको इससे याद रहेगा कि कौन सी महाजनपदा कहाँ पे है, उसकी कैपिटल क्या है। सो ये आपको बहुत प्रॉपरली अच्छे से याद रहेगा, और इस मैप को हम एज अ रेफरेंस के तौर पे हम आगे जब महाजनपदास पढ़ेंगे तो इस मैप को रेफरेंस की तरह यूज करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और मैप मैंने डाला है जहाँ पे आपको और थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं मोनार्की से। तो मोनार्की में पहले हम आते हैं काशी पे। जो काशी थे ये कौन थे, ये आर्यन लोग थे who had settled in region around वाराणसी, ये वाराणसी जो हम पहले बनारस बोलते थे, वाराणसी हो गया, तो ये वहां रहते थे। जो कैपिटल है काशी की वो क्या है, वो वाराणसी है, जिसने अपना नाम कहाँ से लिया है, फ्रॉम द रिवर वरुण एंड अस्सी विच मेड अप इट्स नॉर्थ एंड साउथ बाउंड्री। जो वरुण है, जो काशी है, वो रिवर वरुण से नॉर्थ में उसकी बाउंड्री हो गई, और जो साउथ उसकी बाउंड्री क्या हो गई, अस्सी हो गई। ठीक है, अस्सी घाट हमने सुना है वाराणसी में। बिफोर द टाइम ऑफ बुद्ध, जो काशी था वो हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ द 16 महाजनपद था। काशी जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट,
बहुत पावरफुल एक महाजनपद था बुद्धा के टाइम से पहले. इट सीम टू हैव एमर्ज्ड एज अ मेजर टाउन. ये एक मेजर टाउन था अराउंड 450 BCE. ठीक है, अगर हम मैप में देखेंगे कि काशी कहाँ पे है, अगर हम मैप में देखते हैं कि हमारा काशी कहाँ है, तो हमारा काशी ये रहा, काशी वाराणसी ये रहा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ट्रेड पर्सपेक्टिव से जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल जो है काफी काशी में कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था, हॉर्स के मार्केट्स के लिए फेमस था, तो काशी एक तरीके से एक इम्पोर्टेंट जनपद हमारा बन गया था. बहुत सारी जातकाज हैं, सेवरल जातकाज फोक टेल्स अबाउट द प्रीवियस इनकार्नेशन ऑफ द बुद्धा बियर विटनेस टू द सुपीरियरिटी ऑफ इट्स कैपिटल ओवर अदर सिटीज ऑफ इंडिया एंड स्पीक्स हाई ऑफ इट्स प्रोस्पेरिटी एंड ऑपुलेंस. तो बहुत जो जातकाज हैं, जातका क्या हो गई, ये फोक टेल्स होती हैं जो बुद्धा के पिछले जन्म के बारे में बताती हैं. तो उसमें जो है ये देखने को मिला है कि ये जो काशी की जो कैपिटल है, मतलब काशी बहुत ही सुपीरियर ओवर अदर सिटीज ऑफ इंडिया, जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, काशी की प्रॉस्पेरिटी के बारे में काफी बताया गया है. जातका ने ये भी बताया कि एक बहुत ज्यादा लॉन्ग राइवलरी चल रही थी काशी की द किंगडम्स ऑफ कोशला अंग एंड मगध. आई स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी वेंट ऑन अमंग देम फॉर अ टाइम. ठीक, तो जो काशी के साथ क्या था, काशी के साथ काशी जो है कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा था कोशला अंग और मगध के लिए, क्योंकि सबको भाई चाहिए था, सबको दूसरे की टेरिटरी लेनी थी ताकि वो अपनी टेरिटरी को बड़ी बना सके. तो उनका जो है स्ट्रगल एक तरीके से ये लोग स्ट्रगल जो था सुप्रीमेसी के लिए वो चल रहा था. बट लेटर बाद में जो काशी क्या हुआ, उसको कोशला ने एनेक्स्ट कर लिया था. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इन द सबवर्जन ऑफ विदेहन मोनार्की विद द हेल्प ऑफ मगध. जो विदेहन मोनार्की थी उसको जो है सबमिशन के लिए ये मगध के साथ काम कर रहा था, विदेह मोनार्की को हटाने के लिए. उसके बाद इसको जो है पहले तो ये जो क्या था कि काशी जो है पहले तो कोशला जो थी कोशला ने एनेक्स किया था. फिर बाद में क्या हुआ, ये पहले काशी जो थी उसको कोशला ने एनेक्स किया था. ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में जो है ये आजाद शत्रु जो थे मगध एम्पायर के, मगध किंगडम के, उन्होंने काशी को एनेक्स किया. बाद काशी फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, मार्केट फॉर हॉर्सेस, हॉर्सेस की मार्केट के लिए फेमस. अगर हम ये बोलेंगे कि कौन सी महाजनपद हॉर्सेस के लिए फेमस है, ठीक है, तो हम गांधार बोलेंगे कि जो गांधार है वो हॉर्सेस के लिए फेमस है, अपने स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस के लिए फेमस है. बिकॉज जो गांधार है वो अरेबियन रीजन के पास है, जो अरेबिया और जो सेंट्रल एशिया है वो हॉर्सेस के लिए जाने. जो हॉर्सेस के बारे में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस के बारे में बात करेंगे तो गांधार होगा. अगर मार्केट फॉर हॉर्सेस के बारे में बात करेंगे तो काशी हो जाएगी. फिर मत्स्य पुराण और अल्बिरूनी में जो काशी को हम कौशिका बोलते हैं या कौशिका बोलते हैं, बाकी काशी. नेक्स्ट हम अगर कोशला की बात करें तो जो कोशला जो डिस्क्रिप्शन है कोशला का वो हमें शतपथा ब्राह्मणा में देखने को मिला है. इंपॉर्टेंट है अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन की किस वेदी लिटरेचर में हमें कोशला के बारे में पता लगा है, तो शतपथा ब्राह्मण में पता लगा. जो कंट्री है कोशला की वो हमारा नॉर्थ वेस्ट मगध अराउंड प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश विद इट्स कैपिटल सवस्ती या फिर श्रावस्ती. अगर हम देखेंगे मैप में, अगर हम देखेंगे कि काशी हमारा कहाँ, कोशला हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा कोशला हुआ. ठीक है, ये हमारा कोशला हुआ. अब कोशला में इधर हमारा मगध के साथ हुआ है. ठीक है, जो अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हमारा मगध में है और ये प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है. मतलब जो ये अवध, जो मॉडर्न अवध रीजन है हमारा यूपी का, उस साइड हमारा ये कोशला है. ठीक है, इट इज लोकेटेड अबाउट 70 माइल्स टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ गोरखपुर एंड कंप्राइज टेरिटरी करस्पॉन्डिंग टू मॉडर्न अवध. कोशला जो है वो वेस्ट में, ठीक है, अगर ये हमारा यहाँ पे हमारा कोशला है. ठीक है, तो जो वेस्ट हमारा है इधर हमारी गोमती से वो घिरा हुआ है. ठीक है, उसके बाद साउथ में वो गंगा से इधर घिरा हुआ है. फिर ईस्ट में हमारा ये गंधक से घिरा हुआ है या सातनीरा, एंड ऊपर जो हो गया वो हमारा हिमालयन माउंटेन्स हमारा नॉर्थ में हो गया. ठीक, जो
तो अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती है, ये तीन इंपॉर्टेंट सिटीज है कोशला की। तो कौन सी तीन इंपॉर्टेंट सिटीज है कोशला की? अयोध्या, साकेत एंड श्रावस्ती। इन द रामायण, महाभारत एंड पुराण जो रूलिंग फैमिली है कोशला किंगडम की, वो इश्कवाकूस के डिसेंडेंट है। ठीक, मतलब पहले इश्कवाकूस थे। तो ये बोला गया है कि जो रामायण और महाभारत और बाकी के पुराण में ये बोला गया है कि जो कोशला किंगडम है, ठीक, वो इश्कवाकू जो थे उनके डिसेंडेंट है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मझीमा निकाया, उसमें बुद्धा को कोशलन बताया गया है एंड महावीरा द 24th गॉड ऑफ जैनिज्म, उन्होंने कोशला में अपनी टीचिंग्स की थी। फिर इन द टाइम ऑफ महाकोशला, काशी एक इंटीग्रल पार्ट था किंगडम का। जब महाकोशला जो किंग थे, जो राज करते थे कोशला किंगडम पे, तो काशी एक इंटीग्रल पार्ट था उस किंगडम का। महाकोशला को फिर उनके सन ने सक्सीड किया प्रसनजीत ने, जो बुद्धा के फॉलोअर थे। जो प्रसनजीत थे, जो हमारे कोशलन किंग थे, वो बिंबसार के कंटेम्पररी थे एंड आजाद शत्रु ऑफ द मगध। बिंबसार ने क्या किया, हमें ये पता है कि जो मगध जो था वो मैट्रिमोनियल अलायंस चल रहा था। तो बिंबसार ने क्या किया, जो प्रसनजीत की सिस्टर थी कोशला देवी, उनके साथ शादी कर ली। और जो है इन रिटर्न क्या किया, जो प्रसनजीत थे उन्होंने काशी को डाउरी में दे दिया बिंबसार को। ठीक है, फिर जो आजाद शत्रु थे उन्होंने अपने फादर के बिंबसार को मार दिया, जिसकी वजह से प्रसनजीत की सिस्टर भी जो थी वो मर गई। तो जब प्रसनजीत की सिस्टर मर गई, तब प्रसनजीत ने क्या किया, उन्होंने काशी को वापस ले लिया। तो वहां से एक स्ट्रगल शुरू हुआ फॉर द सुप्रीमेसी बिटवीन किंग प्रसनजीत एंड किंग आजाद शत्रु ऑफ मगध। ठीक है, कि काशी के लिए जो था वो एक सुप्रीमेसी स्टार्ट हुई, जस्ट बिकॉज काशी भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था। ठीक है, इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल वहां पे होता था, हॉर्स मार्केट लगता था, तो वो एक काफी इम्पोर्टेंट महाजनपद था। तो उसकी सुप्रीमेसी के लिए क्या हुआ, प्रसनजीत और आजाद शत्रु ने लड़ाई। अब वो लड़ाई जो थी, फिर वो प्रसनजीत हार गए, तो फिर उनको रिकनसाइल करना पड़ा। तो उस रिकनसाइलेशन में क्या हुआ, प्रसनजीत को अपनी जो डॉटर थी उनको आजाद शत्रु के साथ शादी कराई, और जिसकी वजह से काशी फिर से आजाद शत्रु के पास चली गई। एक बरहुत स्कल्पचर है जो हाईलाइट करता है कॉर्डियलिटी बिटवीन दी प्रसनजीत एंड बुद्धा। जब आजाद शत्रु का मतलब जब उनका रेन चल रहा था एंड जब आफ्टर द डेथ ऑफ प्रसनजीत, तो कोशला जो है वो मगध ने ले लिया था। एंड कोशला एक ट्राइबल रिपब्लिक टेरिटरी जो थी साक्य ऑफ कपिला वस्तु, वो भी इंक्लूड करता है। ठीक है, जो साक्याज ऑफ कपिला वस्तु थे वो भी हमारा एक रिपब्लिकन टेरिटरी है जो कोशला के अंदर ही आता है। जो कैपिटल ऑफ कोशला है वो हमारी पीपरावा है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, जो सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम लुम्बिनी। ये अनदर कैपिटल है साक्याज की, और ये बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का। लुम्बिनी हमें पता है कि बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का। तो जो साक्याज ऑफ कपिला वस्तु है ये हमारी कोसला के अंदर ही आता है। ये कोस्टन रिपब्लिक के अंदर हमारा ये साक्याज और कपिला वस्तु आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंग के बारे में। तो अंग जो है वो बहुत ही एंशियंट है एंड वो मेंशन्ड है इन द एंशियंट टेक्स्ट लाइक ऐत्रेय ब्राह्मणा, महाभारत में, पुराण में, रामायण में, अथर्ववेद में। जो अंग है वो हमारा मगध के ईस्ट में, ईस्ट ऑफ द मगध एंड राजमहल हिल्स जो है, जो प्रेजेंट डे नॉर्दर्न बिहार है, जिसको हम भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे, वहां उस वहां पे, ठीक है, मगध के ईस्ट में और राजमहल हिल्स के वेस्ट में जो है वो हमारा अंग सिचुएटेड है। और जो अंग है वो अगर हम अभी की बात करेंगे कि अभी हम अंग टेरिटरी को कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, तो वो भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है, हम वहां पे नॉर्दर्न बिहार के पोर्शन में, जो भागलपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, हम वहां पे अंग को लोकेट कर सकते हैं। जो कैपिटल है अंग की वो चंपा है एंड जहाँ पे वेयर जो रिवर चंपा है वो हमारा बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन मगध इन द वेस्ट एंड अंग इन द ईस्ट। एंड अंग जो है वो रिवर कोशी गंगा जो है, गंगा रिवर से वो नॉर्थ में बाउंडेड है। फिर अंग की कैपिटल जो चंपा है उसको हम पहले मालिनी बोलते थे एंड ये लोकेट है ऑन द रिवर राइट बैंक ऑफ रिवर गंगा नियर द जंक्शन विद रिवर चंपा। रिवर चंपा के साथ ही वो एक तरीके से लोकेटेड है। ये एक फ्लरिशिंग सिटी है, दिघ निकाया जो है उसके अकॉर्डिंग ये एक फ्लरिशिंग सिटी है। एंड ये जो वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल सिटीज जो है एंशियंट
इंडिया की, उसमें में से एक ये फ्लरिशिंग सिटीज है। तो जैसे जिसको हम मेट्रोपोलिस सिटीज भी कह सकते हैं, जो हो गई हमारी 6 मेट्रोपोलिस सिटीज, कौन कौन सी हो गई हमारी, ये जो 6 मेट्रोपोलिस सिटीज है ये हमारी दिग निकाया या महापरिनिर्वाण सूत्र में ये मेंशन है। तो ये हमारी हो गई चंपा, ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो अंग चंपा हो गया। उसके बाद हमारा हो गया राजगृह, जो हम आगे पढ़ेंगे, मगध की कैपिटल हुई। फिर बनारस जो काशी का आया, ठीक, साकेत, फिर कौशंबी हम आगे पढ़ेंगे, एंड श्रावस्ती। तो ये जो 6 थी ये हमारी क्या थी, ये प्रिंसिपल सिटीज थी, ये हमारी मेट्रोपोलिस सिटीज थी एंशियंट इंडिया की। तो उसमें से इट वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड, ये ट्रेड और कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से ये ग्रेट सेंटर था, एज इट्स मर्चेंट्स रेगुलरली सेल टू डिस्टेंट स्वर्ण भूमि। ठीक है, स्वर्ण भूमि अगर हम मैप पे देखते हैं, लोकेट करते हैं मैप पे स्वर्ण भूमि को देखेंगे, तो ये रहा हमारा, जैसे ये हमारा आता है यहाँ अंग। अब आप अंग देख सकते हैं कि ये अंग एकदम इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्वर्ण भूमि वाला एरिया जो हो गया, जो गोल्डन लैंड हम बोल देंगे, वो क्या हो गया, सदर्न चाइना, इंडो चाइना, ठीक है, मलाया पेनिनसुला रीजन जो हो गया, ये हमारा स्वर्ण भूमि के उसमें आता है। तो वहां पे जो सिल्क प्रोडक्शन, राइस, ये सब वहां का हम एक इम्पोर्टेंट ट्रेड था। तो जितना भी यहाँ से जितना भी जो ट्रेड था सिल्क के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, तो वो पहले अंग पे जाता, अंग के पास जाने के बाद अंग उसको साउथ हो गया और आगे मगध, इन सबको अंग ही आगे ट्रांसपोर्ट करता। तो एक तरीके से जो अंग है ये ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट है। तो इसके लिए भी सुप्रीमेसी सबकी चलती रहती थी कि हमको भी अंग, हमको अंग चाहिए, क्योंकि अगर अंग मिल गया तो इनका इकोनॉमी और बूम कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंग बहुत इजीली ट्रेड कर सकता है साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, म्यांमार के साथ। तो जो अंग का जो अंग था उसके उसके पास जो इधर बाहर की जो स्वर्ण भूमि की जो ट्रेड मोनोपोली, उसके पास अंग के पास, तो सबको अंग चाहिए था, क्योंकि अंग मिलता तो उनका भी इकोनॉमी बूम हो जाती, क्योंकि उनको फिर अंग से खरीदना नहीं पड़ता चीजें, वो डायरेक्ट बाहर से जो वो ट्रेड जो उनको स्वर्ण भूमि से जो ट्रेड मिल रहा था वो डायरेक्ट वहीं से ले सकते। तो यहाँ पे हमने अंग देखा, एंड अदर इम्पोर्टेंट सिटीज अगर अंग की देखेंगे तो वो असापुरा एंड वृधिका। अगर हम महाभारत में देखेंगे तो जो अंग जो दुर्योधन थे, हमें पता है कि जो कर्ण थे, ठीक, उनके भाई पांडव के भाई थे, जो पता नहीं था उनको, तो वो एक शूद्र ही थे, ठीक है, रथकार थे, रथकार के बेटे थे। तो अंग दुर्योधन के फ्रेंड बने, ठीक, तो दुर्योधन ने कर्ण, सॉरी, दुर्योधन के फ्रेंड बने, और जो दुर्योधन थे उन्होंने जो अंग जो था वो कर्ण को दे दिया कि तुम जाओ इस पे राज्य करो, ठीक। जब इनिशियल जब वो लोग सब आ रहे थे गुरुकुल से लौट के आ रहे थे शिक्षा लेके, तब उनकी एक वो होती थी ना, दिखाते थे कि उन्होंने क्या क्या सीखा। तो उस टाइम पे जो अंग, हम बोलते थे कि अर्जुन जो थे वो बहुत बड़े जो है धनुर्धर थे, तो अंग उनको गलत उनके बीच में कंपटीशन हुआ, तो जिसमें लोगों ने फिर कर्ण के ऊपर उंगली उठाई कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप ये शिक्षा कैसे ले सकते हो। उस टाइम पे जो रथ का शूद्र हो गए, इन लोगों को ये धनुर्विद्या लेने की इजाजत नहीं थी, शिक्षा लेने की इजाजत नहीं थी, तो जिसकी वजह से एक वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो उस टाइम पे दुर्योधन स्टेप्ड इन एंड ही सेड कि ही इज माय फ्रेंड, अब मैं इसको अंग का राजा बनाता हूँ, ठीक, तो अब तो ये कर सकते हैं। तो वो भी दुर्योधन का प्रॉफिट अपने लिए। तो इस तरीके से जो अंग था वो कर्ण के पास चला गया, तो उनको हम लोग ने अंगराज भी बोलना शुरू कर दिया था। तो एक बैकग्राउंड स्टोरी है। अब यहाँ पे जो ग्रेटर स्ट्रगल था वो अंग के लिए हुआ बिटवीन दी अंग्स एंड ईस्टर्न नेबर्स, जो मगध जो थे, मगध और अंग के बीच में एक स्ट्रगल हुआ अंग को लेके। विधुरा पंडिता जात का जो है एक स्टोरी है, उसमें जो राजगृह थे, ठीक है, मगधन कैपिटल, वो अंग, मतलब जो राजक्रिया थी उसको बोला गया कि वो अंग की सिटी है। एंड जो महाभारत में ये बताया गया कि सैक्रिफाइस हुआ था, जो किंग ऑफ अंग ने किया था एट माउंट विष्णुपदा एट गया। सो ये एक विधुरा पंडिता जात का स्टोरी में ये है। दिस इंडिकेट कि जो अंग जो इनिशियली उसको सक्सीडेड, मतलब अंग ने इनिशियली तो मगध को अनेक्स कर लिया था एंड उसके बॉर्डर्स को भी अनेक्स कर लिया था, और उसका जो किंगडम था अंग का वो मत्स्य तक फैल गया था। पर बाद में
जो ये मगध हमें पता है, मगध सबसे ऊपर निकल के आया। ये जो सक्सेस थी अंग की, ये ज्यादा दिन तक नहीं रही है। अबाउट द मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी जो बिंबिसार थे, द ओनली कॉन्क्विस्ट जो था बिंबिसार का, उन्होंने कॉन्क्विस्ट कर लिया था जो है इसको अंग को कॉन्क्विस्ट कर लिया था। उन्होंने ये प्रिंस थे बिंबिसार मगध के, उन्होंने ब्रह्मदत्त जो थे जो लास्ट इंडिपेंडेंट किंग थे अंग के, उनको मार दिया, जिसकी वजह से जो चंपा जो कैपिटल थी वो कहाँ चली गई, वो बिंबिसार के पास चली गई। बिंबिसार ने चंपा को अपना हेडक्वार्टर बनाया एंड अंग फिर एक इंटीग्रल पार्ट हो गया था एक्सपैंडिंग द मगध एम्पायर। फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मगध पे, ठीक। तो हम अगर मगध के बारे में बात करेंगे तो जो फर्स्ट रेफरेंस है मगध का वो अथर्ववेद में हमको देखने को मिला है, जहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने अंग, गांधारिस और मूंजवाड़ एक साथ अथर्ववेद में लिस्टेड है मगध के साथ। तो जो मगध, अंग, गांधारा और मूंजवाड़ है, उसको लोग मतलब पहले हमने, अगर हम जब मगध के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मगध, जब हम मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो मगध एक इम्पोर्टेंट था, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मौर्य एम्पायर, और मगध के बारे में जब देखेंगे तो लोग ये मगध को आर्यंस नहीं मानते थे, ठीक है, वो नॉन आर्यंस मानते, शूद्र मानते थे, और पहले के टाइम पे शूद्र को लोग डिस्पाइज करते थे। तो यही बताया गया है कि यहाँ पे ये अथर्वेद में जो फर्स्ट रेफरेंस जब मगध का दिया गया था, तो दे डिस्पाइज, ये एक डिस्पाइज्ड पीपल की तरह इनको देखा जाता था, इनको इतना यू नो वैल्यू इंपॉर्टेंस रिस्पेक्ट नहीं देते। वैदिक डिसलाइक ऑफ द मगध इन अर्ली टाइम वाज ड्यू टू द फैक्ट कि जो मगध थे वो पूरी तरीके से ब्राह्मनाइज्ड नहीं थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स जो था पुराण, वो क्या था, वो पुराण हो गया, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका एंड अदर जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि पाली ज्ञान, ये हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स है जहाँ से हमें मगध के बारे में पता चला। अब अगर हम इन्हीं सोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो उसमें ये बताया गया कि जो मगध है उसको शिशुनाग डायनेस्टी ने रूल किया था फॉर अबाउट 200 ईयर्स, दैट इज 684 टू 424 BC तक उन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी ने रूल किया। और ऋग्वेद में एक और चीज मेंशन की गई थी कि जो किंग, एक किंग थे, ठीक है, ब्रह्मगंध, वो रूलर थे किकाता के, और जो यसाका जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो किकाता है वो नॉन आर्यन बन चुके। बाद में हमें पता लगा जो किकाता है, किकात्स हैं, वो मगध के सिनोनिम में हम यूज करते हैं। और एक मतलब ये जो एक्सेप्शन है ऋग्वेद का, ब्रह्मगंध का, उनका अगर छोड़ के जो इन्होंने जिनका कनेक्शन है मगध से, ये बहुत ही स्पेक्यूलेटिव है, तो नो अदर किंग ऑफ मगध जो है वैदिक लिटरेचर में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है एक्सेप्ट दिस किंग ब्रह्मगंध, जो बहुत ही स्पेक्यूलेटिव है, मतलब इनको इतना मतलब ऑथेंटिक सोर्स नहीं बताया गया। फिर ये अंग और मत्स्य के वत्स के बीच में है, मगध एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट महाजनपद है जो रिवर चंपा से डिवाइडेड है, हम आगे जब अंग में पड़े थे। मगध में हम लोग मॉडर्न पटना देख सकते हैं, गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल हमारा, ये अभी अगर मगध के बारे में बात करेंगे तो मगध में ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारी आती है, ठीक है। मगध हमारा गंगा से बाउंडेड है नॉर्थ में, वेस्ट में हमारा रिवर सोन एंड साउथ में बाय द विंध्यास माउंटेन एंड ईस्ट में बाय रिवर चंपा। अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड पुराण जो अर्लीस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी मगध की वो कौन थे, बृहद्रनंद, जो फाउंडर जो थे मगध के वो उसको बोला गया कि बृहद्रनंद थे। बट जो मगध जो था वो प्रोमिनेंस में आया, ठीक है, मगध ने अपने किंगडम्स बढ़ाना शुरू किया जब मगध एक पावरफुल जो आया वो बिंबिसार और उसके सन जो थे अजात शत्रु के टाइम पे ही आया। जो किंग, जो किंगडम था मगध का, वो फाइनली विक्टोरियस था इन द वॉर ऑफ सुप्रीमेसी विच वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम अमंग द नेशन ऑफ मझी मदेसा एंड बिकेम अ प्रोमिनेंट एम्पायर इन मिड इंडिया। जो मगध था वो अजात शत्रु, बिंबिसार, इनके टाइम पे ये विक्टोरियसली ये बाहर निकल के आया, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे यू नो किंगडम्स को अपने साथ मिलाया थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस, थ्रू वॉर, एंड इन्होंने क्या किया, जो मझी मदेसा मतलब जो सेंट्रल इंडिया जिसके बारे में बात करें, उनके काफी उन्होंने बाद में मतलब राज किया, मतलब एक एक करके उन्होंने सारे किंगडम्स को अपने में मिलाया, तो एक पूरा सेंट्रल इंडिया पे उन्होंने राज किया, वो प्री डोमिनेंट एम्पायर हो गए थे मिड इंडिया। राजगृह या गिरिराज जो थे वो राजगृह और गिरिराज प्रोटेक्टेड बाय फाइव हिल्स, क्लियरली वो एक अर्ली कैपिटल थे मगध के।
एंड लेटर जो कैपिटल था वो राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया। जो सन थे ठीक है हमारे फर्स्ट किंग की ऑफ दिस डायनेस्टी जरासंध जिनका नाम था, उन्होंने गिरिवराज राजगृह को क्या बनाया, अपनी कैपिटल बनाया। तो अर्लीस्ट कैपिटल राजगृह यहाँ से आया। बाकी का अगर नेम देखेंगे हम सिटीज का जो आता है मगध के अंदर, वो मगधपुरा, बृहद्रथपुरा, वासुमती, कुशाग्रपुरा एंड बिम्बिसारीपुरा, ये हमारी बाकी की सिटीज हो गए मगध की। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें जो है जो फर्स्ट ग्लोरियस रूलर थे मगध के वो बिम्बिसार थे। ठीक है, मतलब बृहद्रथ ने फाउंड किया था मगध, बट जैसे बोला कि जो ग्लोरियस रूलर्स थे जो प्रोमिनेंट रूलर थे वो हजार छत्र बिम्बिसार को माना गया। तो बिम्बिसार हमारे फर्स्ट ग्लोरियस रूलर थे और ये हरियंका डायनेस्टी थे। आगे हम जब मगध या मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें हमें बिम्बिसार हजार छत्र सब वन बाय वन आई टेल यू। बिम्बिसार जो थे वो फर्स्ट और मोस्ट पावरफुल एम्परर थे हरियंका डायनेस्टी के, जो रियल फाउंडर थे मगध एम्पायर के, रियल फाउंडर जो थे वो हम बिम्बिसार को ही मानते। गंगा जो है वो बाउंड्री है बिटवीन दी मगध एंड रिपब्लिक ऑफ लक्षद्वीप। जो रूलर है मगध के अजाद क्षेत्र, उन्होंने अपने पहले बताया कि उन्होंने पापा को मार दिया बिम्बिसार को, फिर अपने थ्रोन पे बैठ गए। फिर जब अजाद क्षेत्र आए तो जो जब अजाद क्षेत्र आए तो वज्जीस जो थे, आगे जब हम रिपब्लिक में वज्जीस के बारे में पढ़ेंगे, वज्जीस और मगध भी कॉन्फ्लिक्ट में है, मतलब मगध सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है बिकॉज उनके जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन उनको करना था, तो ऑल टुगेदर वो सबके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आना शुरू कर दिया। ठीक, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजात शत्रु मगध वज्जीस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में है, और फिर अजात शत्रु जो उनके जो संत है उदयन, अजात शत्रु को मार दिया गया। उदयन ने एक फोर्ट बनाया पाटलिपुत्र फोर्ट, ठीक है, एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा रिवर, एंड जो पाटलिपुत्र था वो उदयन जो थे वो सक्सेसर थे अजात शत्रु के, उन्होंने पाटलिपुत्र जो सिटी थी उसको फाउंड की थी। ठीक, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की मगध एम्पायर की फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र, और जो फोर्ट था वो एक बनाया गया वाज बिल्ट एट द एंशियंट साइट ऑफ पाटलिपुत्र, जिसको पटाली गांव बोला गया ताकि वो वज्जीस को दूर रख सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये फोर्ट बनाया। ये जो फोर्ट था जो फाइव हिल्स जो एंशियंट जो ये फाइव मतलब जो ये फोर्ट था वो डिफेंसिव है, मतलब ये डिफेंस के लिए काफी अच्छा था। ठीक है, मतलब जब हम गिरिवराज की बात करते हैं तो हमने देखा है गिरिवराज फाइव हिल्स से सराउंडेड है, इसी के लिए वेपूला, यभारा, पांडवा एंड गिजकुता, तो ये फाइव हिल्स से सराउंडेड है। तो अब ये डिफेंस के लिए तो सही है, मतलब कोई भी भेद नहीं सकता इस फोर्ट को, बट ऑफेंस के लिए नहीं सही है ना, बट अगर कोई इस किले में घुस गया ठीक तो वो निकलेगा किधर से, वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरे फाइव हिल से सराउंडेड है। तो एक तरीके से ये डिसएडवांटेज था इस एंशियंट सिटी का, ये एक डिसएडवांटेज था। अगर मगध की बात करें, इसे मैं पहले बताई कि जो मगध है वो माइटीस्ट क्यों था, वो इतना प्रॉस्पेरस क्यों था। मगध इसलिए स्ट्रांग था बिकॉज उसके पास आयरन डिपॉजिट था छोटे नागपुर प्लेटियो में, तो वो वेपन्स बना सकता था, उसने मोनोपोलाइज किया आयरन को, तो इकोनॉमी बहुत बूम करी, बहुत इंक्रीज की। उन्होंने फिर अंग को भी एनेक्स्ट कर लिया था। ठीक है, जो अंग हमने देखा है इस साइड की, अंग के पास ये स्वर्ण भूमि की पूरी ट्रेड आती थी, तो उन्होंने अंग को भी एनेक्स किया। अब जब उन्होंने अंग को एनेक्स्ट किया तो उनके पास ट्रेड और बढ़ गया, उनका और लोगों के साथ ट्रेड बढ़ गया। जब उनका और लोगों के साथ ट्रेड बढ़ा तो उनकी इकोनॉमी और बढ़ी। अब जिसकी इकोनॉमी ज्यादा उसका जोर ज्यादा, आज के डेट में बोलते हैं ना पैसा बड़ा भाई, तो उनकी इकोनॉमी बढ़ी तो उनकी कंट्री बढ़ी। ठीक, तो इस तरीके से मगध एक तरीके से माइटीएस्ट बन गया था। फिर जो पाटलिपुत्र जो थे, मतलब जो एट पाटलिपुत्र जो मौर्यन एम्परर थे अशोक, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो प्रिसाइड किया था मुगालीपुत्र तिस्सा ने। आगे हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं डिटेल्ड में बताऊंगी कि क्या हुआ था इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। फर्स्ट जैन कन्वेंशन भी यही हुआ था। जो मेगास्थनीस थे उन्होंने अपनी बुक इंडिका में, ठीक, जो एम्बेसडर थे जो आए थे इंडिया, उन्होंने बताया प्रॉस्पेरिटी एंड रूलिंग सिस्टम इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे रूलिंग सिस्टम कैसे था, प्रॉस्पेरिटी कैसी थी मगध की, वो उन्होंने मेगास्थनीस ने अपनी बुक इंडिका में बताई। पाटलिपुत्र क्या हुआ था, एक प्राइम सेंटर भी था बुद्धिस्ट का ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड,
बट जो इम्पोर्टेंस थी इस सिटी की वो लेटर वैदिक गुप्ता पीरियड में वो डिक्लाइन होने लगी। नेक्स्ट लास्ट ये है कि जो मगध था वो हमारा ओरिजिन भी था दो इम्पोर्टेंट मतलब दो इंडिया के ग्रेटेस्ट एम्पायर भी, एक मौर्य और गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे बहुत कुछ फ्लरिश कर रहा था बिकॉज यू नो साइंस मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी रिलीजन फिलोसफी आर्किटेक्चर ये सब बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, उसको गोल्डन एज भी बोला गया। सो मगध जो था ये ओरिजिन था ये दो ग्रेटेस्ट एम्पायर का, ठीक। तो ये हमारा मगध समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे वत्स। तो वत्स या वामसा जिसको बोलते हैं या फिर हम बछास या इसको बादशा या फिर बांसा भी बहुत सारे नाम है इसके। तो ये ऑफशूट है कुरूस के जो हस्तिनापुर से शिफ्ट हुए एंड सेटल्ड हुए कौशंबी में, ठीक। जब मैंने ऋग्वेद अगर आपको पढ़ाया अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि हस्तिनापुर वॉज यू नो फ्लडेड, वहां पे फ्लड आ गए थे तो कुछ लोग कौशंबी की साइड शिफ्ट हुए थे एंड जो ये जो कौशंबी की साइड शिफ्ट हुए थे ये कुरूस के ही ऑफशूट थे, ठीक है, उन्हीं की लीनियज से आते हैं। तो ये यही बताया गया कि वत्सा जो है वत्सा की कैपिटल कौशंबी है, तो कौशंबी में लोग शिफ्ट हुए जो कुरूस की ऑफशूट थे, ठीक। वत्सा की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस मतलब उनके बीच में आते हैं, जो कॉन्फ्लुएंस जहाँ हो रहा है वहाँ वत्सा में देखा है। एंड आज की डेट में हम अलाहाबाद को बोल सकते हैं। हमें पता है अगर हम आगे मैप में जाएंगे, ये अगर हम मैप देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वत्स हो गया, ये हमारा वत्स आता है। तो अब ये जो वत्स है ये मॉडर्न अलाहाबाद को हम मानते हैं। तो हमें ये पता है मॉडर्न अलाहाबाद को जो हम प्रयागराज बोलते हैं, तो अब ये जो वत्स है, ठीक है, ये गंगा यमुना के कॉन्फ्रेंस, हमने अलाहाबाद को भी देखा है, अलाहाबाद में भी हम बोलते हैं ना वहाँ पे संगम है, गंगा यमुना सरस्वती संगम है। सो ये यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो गया गंगा एंड यमुना का, ये वत्स के का, ठीक। तो मॉडर्न अलाहाबाद हमारा हुआ। और उसकी कैपिटल कौशंबी है, कौशंबी को मॉडर्न विलेज कौसम से कह सकते हैं, 38 miles फ्रॉम अलाहाबाद। नाउ कौशंबी जो है हमारी कौशंबी, ये अगर हम वत्स की और बात करेंगे तो जो दिल्ली दुआब रीजन, दुआब मतलब जो दो कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो ये दिल्ली दुआब रीजन में है। एंड अब ये जो वत्स है, ठीक है, अब जो दिल्ली दुआब रीजन जो हो गया, अगर हम दिल्ली दुआब रीजन की बात करेंगे तो ये गुजरात को भी कर सकते हैं, बंगाल को भी, साउथ को भी, ठीक है। एंड यू नो ये जो ट्राइपोटाइट स्ट्रगल जब हम पढ़ेंगे तो ये वत्स हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहां पे भी प्ले करता है, वत्स को जिसे मामसा बोलते हैं ये कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है। तो ये जो ये जो कौशंबी है, कौशंबी बहुत ही प्रॉस्पेरस सिटी है एंड रेसिडेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेल्दी मर्चेंट्स जो थे वो हमारे कौशंबी में ही रहते थे, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट भी है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ। जो नॉर्थ वेस्ट से जितने भी यू नो ट्रांसपोर्ट आते थे जिसमें जितने भी गुड्स आते थे एंड पैसेंजर्स जो भी हो गए वो ये इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट हो गया बिकॉज वी नो कि ये कॉन्फ्लुएंस है हमारा। सो यहाँ पे इसलिए ये एक तरीके से ट्रेड के लिए, ट्रेड और बिजनेस के लिए, ठीक है, ये जो है कौशंबी भी हमारा बहुत प्रॉस्पेरस किया था यहाँ पे भी ट्रेड एंड बिजनेस 6th century में, बिकॉज ऑफ यू नो बिकॉज ऑफ द रिवर्स, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स और उसकी पोजीशन की वजह से गुड्स एंड पैसेंजर्स जो थे यहाँ पे एक मेन एंट्री पॉइंट इसके लिए हो गया था। पुराण में ये बोलते हैं कि जो वत्स किंगडम है उसको जो काशी किंग के नाम पे वत्स जो काशी किंग जो थे वत्स उनके नाम पे वत्स किंगडम रखा गया। रामायण और महाभारत में बोला ये जो फाउंडिंग कैपिटल जो है कौशंबी की वो छेदी प्रिंस कुसा या कौसंभा को एक रेडेंट दिया गया है। उदयन जो थे जो रूलर थे वत्सा के 6th century BC, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द मगध रूलर उदयन, ये उदयन है, ये वत्स के रूलर थे 6th century BC में। इन्होंने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट द आजाद शत्रु ऑफ मगध एंड किंग ऑफ प्रद्युक्ता अवंती, ठीक।
इन्होंने भी स्ट्रगल किया, जस्ट बिकॉज इनके पास भी जो इनका भी जो ट्रेडिंग पॉइंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो जो वत्स था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस सिटी थी. सो एंड कौशम भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी थी हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन को भी लेके. जब हम मेट्रोपोलिस सिटी पढ़े थे तब उसमें मैंने कौशम्बी सिटी बताया, तो कौशम्बी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी. तो इसके सुप्रीमेसी के लिए इसके लिए भी लोगों ने लड़ाई करना शुरू की. तो अजात शत्रु जो थे मगध के और किंग प्रद्योत्य जो अवंती के थे, तो जो उदयन जो रूलर थे वत्स के, उन्होंने इन दोनों के साथ इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी. फिर जो उदयन थे बट फिर अब इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया कि जो अवंती थे सॉरी जो कौशम्बी वत्स थे ना बीच का अपना रास्ता अपनाया. बिकॉज ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में तो सही थे बट जो हमारे वॉर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे वेपन्स के पर्सपेक्टिव में तो ही वॉज नॉट दैट मच गुड इन दैट. तो अब उनको बीच का रास्ता ही अपनाना था. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया मगध के किंग के साथ. ठीक है, उन्होंने उदयन ने मगध के किंग के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया. फिर साथ साथ उन्होंने जो किंग अवंती की जो डॉटर थी उनके साथ भी क्या किया, शादी कर ली. क्योंकि जब उनका जब अवंती का जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थर्ड इनवेड क्वेश्चन में नहीं हो पाया तो उदयन जो थे उन्होंने अवंती के जो डॉटर थी उनके साथ शादी कर ली. तो उन्होंने अपनी पोजिशन बचा ली और तो बाद में प्रॉब्लम हुई वो अलग बात है बट उन्होंने एक टाइम के लिए तो अपनी पोजीशन सेव कर ली. उधर मैट्रिमोनियल अलायंस मगध के साथ कर लिया, इधर अवंती के साथ कर लिया. तो एक तरीके से उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड अपनी वत्स किंगडम जो था कौशम्बी किंगडम जो था उस पर बना के. फिर जो उदयन थे, एक लिखी गई थी एक पोयम बुक आप बोल सकते हो, रोमांटिक हीरो थे स्वप्न वत्सवादिता एंड जो प्रातिजन योगंधार्याना एक थी. ठीक है, प्रतिजन योग गंधारियाना एंड मेनी अदर लेजेंड्स एंड ये कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के एंड प्रद्योत ऑफ किंग अवंती के. ये क्या थे, उदयन हमारे कंटेम्प्रेरी थे. जब हम आगे जब हम वो पढ़ेंगे अवंती के बारे में पढ़ेंगे तो अवंती में हमने एक जो ग्रेट पोएट थे भास, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब करी है अपने ड्रामा में जिसका नाम दिया गया था स्वप्नवास का वदातम. उसमें लव स्टोरी बताई थी वत्स किंग उदयन एंड वत्सवदत्ता जो डॉटर थी अवंती की चंद्र प्रतियोगिता की, उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है इस बुक में जो भास जो ग्रेट पोएट जो भास थे उन्होंने दिखाई इसके स्वप्नवास वदाता में जो भास पोएट थे उन्होंने बताई. ठीक, अकॉर्डिंग टू पुराण जो फोर्थ सक्सेसर है उदयन के वो कौन है, वही नारा दादी पानी डांडा पानी नीरा मित्रा एंड केशमाका. फिर वत्स किंग बाद में अवंती ने बाद में वत्स किंग को एनेक्स्ट कर लिया था एंड जो मणि प्रभा थे जो ग्रेट ग्रैंड सन थे प्रद्योत्ता के, उन्होंने कौशम्बी को रूल किया एज अ प्रिंस ऑफ अवंती. अब जो वत्स है हमें पता है ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कौशम्बी उसकी कैपिटल सिटी थी. जो बुद्धा थे वो कौशम्बी गए थे बहुत बार एंड इन द रेन ऑफ उदयन एंड उनका जो एफर्ट था टू स्प्रेड द धर्म एट फोल्ड पाथ एंड फोर नोबल ट्रूथ, वो कौशम्बी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया था. उदयन उपासका थे, फॉलोअर थे बुद्धा के एंड उन्होंने बुद्धिज्म को क्या बनाया था, उन्होंने बुद्धिज्म को अपना स्टेट रिलीजन बनाया था. मतलब किसी भी जो रूलर थे उन्होंने बुद्धिज्म या जैनिज्म को स्टेट रिलीजन नहीं बनाया था बट जो उदयन थे उन्होंने स्टेट रिलीजन ही बना लिया अपना बुद्धिज्म को. अब जैसे ये स्टेट रिलीजन क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमने स्टेट रिलीजन किया है इस्लाम. अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सेक्युलर बोलते हैं क्योंकि हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है. ठीक है, हम ना हिंदुज्म फॉलो करते हैं ना इस्लाम फॉलो करते हैं ना हम जो है सिख रिलीजन फॉलो करते हैं, कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करते, हम सेक्युलर हैं. ठीक, सो स्टेट रिलीजन ये होगा कि हमें पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं. ठीक, तो उदयन ने क्या किया, स्टेट रिलीजन बनाया बुद्धिज्म. चाइनीज ट्रांसलेशन है बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट एकोटारा अगामा की, उन्होंने फर्स्ट इमेज जो है बुद्धा की वो दिखाई है जो सैंडलवुड से बनाई गई है एंड वो उदयन के इंस्ट्रक्शंस पे ही बनाई गई है. ये एक जो कैनोनिकल टेक्स्ट था एकोटारा अगामा उसमें बताया गया है.
अगर हम बात करेंगे कि जो वत्स एनेक्स्ट हुआ था, अवंती ने एनेक्स्ट किया था, तो किसके रेन में किया था? तो जो वत्स हमारा हुआ था, जो वत्स किंगडम जो एनेक्स्ट हुआ था बाय द अवंती किंगडम, वो हमारा हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ पालिका। ड्यूरिंग द रेन ऑफ पालिका ये हमारा अवंती किंगडम जो था वो एनेक्स्ट हो गया था, जो वत्स किंगडम था वो अवंती में एनेक्स्ट हो गया था। ठीक है, सो आज हमने क्या पढ़ा? वत्स पढ़ा। हमने पहले तो देखा महाजनपदा क्या होते हैं, फिर हमने वत्स पढ़ा, मगध के बारे में पढ़ा, ठीक, कोशला के बारे में पढ़ा, काशी के बारे में पढ़ा। तो ये हमने कुछ देख, मैं एक साथ भी आपको पढ़ा सकती थी, बट एक साथ पढ़ाना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका, तो हम पार्ट्स में पढ़ते हैं। मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपको बताया, इसके आपको ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, ठीक, मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन महाजनपद से आएगा ना, तो इससे आप समझ लो इससे बाहर तो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ ही कवर कर दिया, एक एक पॉइंट कवर किया, इससे बाहर नहीं मिलेगा। जो वैदिक पीरियड भी मैंने बताया, उसमें भी अब मैं एक दिन देख रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें मैंने वैदिक पीरियड का एक क्वेश्चन देखा कि नचिकेत स्टोरी जो थी उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा कि वो किस उपनिषद में है। तो ये मैंने आपको वैदिक पीरियड में बता के रखा है, तो मेरे जो नोट्स हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इससे बाहर आप और जगह से मतलब आप करो, बहुत अच्छी बात है, अपने खुद के नोट्स बनाओ, बट क्वेश्चंस जो है मैंने सब कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के ये पूरा कंपाइल्ड पावर पॉइंट में बनाती हूँ, तो दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो प्लीज रिवाइज अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, एंड रिवाइज एज मच एज यू कैन, जस्ट रिवाइज इट, एंड प्लीज डू लेट मी नो वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मीट यू अगेन।